वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ रबड़ी कुल्फी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कुल्फियाँ खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और इनको बनाना बहुत ही आसान है और ये घर में बने होने के कारण बहुत ही हेल्दी है और हम इनको बच्चों को आसानी से खाने के लिए दे सकते हैं। मन में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी कि ये किस तरह के मटेरियल से बना है, इनके खाने से बच्चों को क्या नुकसान होने वाला है। तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं देगा बच्चों को, क्योंकि इसको हमने घर में बनाया है तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए देख लेते हैं इनको बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ेगी और इनको किस तरह से बनाना है। रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसकी जगह आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं। दूध के अलावा मैंने यहाँ पे ये मिल्क पाउडर लिया है, ये लगभग 4 चम्मच है। इससे जो हमारी रबड़ी है वो जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। और ये 5 चम्मच चीनी है। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको मिठास चाहिए उस हिसाब से चीनी ऐड करिए। ये यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और पिस्ता, जिनको कि मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूध को मैंने यहाँ पे गाढ़ा होने के लिए चढ़ा दिया है। दूध को गाढ़ा करने के लिए बर्तन हमेशा थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए, जिससे कि दूध हमारा जो है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। दूध में बॉयल आ गया है। अब गैस को मीडियम कर देंगे और इसको रिड्यूस होने देंगे, दूध को गाढ़ा होने देंगे और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, जिससे कि दूध हमारा चिपके नहीं नीचे, नहीं तो दूध नीचे से जल जाएगा और आपकी रबड़ी जो है वो खराब हो जाएगी। दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है, अब इसमें ये चीनी ऐड कर देंगे और ये मिल्क पाउडर भी ऐड कर देंगे, जिससे कि दूध जो है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और हमारी रबड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी। मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको फिर से थोड़ा और गाढ़ा करेंगे, इसको एकदम रबड़ी की कंसिस्टेंसी तक लाना है। अब हमारी रबड़ी बिल्कुल बनके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसी कंसिस्टेंसी की आपको भी तैयार करनी है रबड़ी। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखा था वो ऐड कर देंगे, काजू, ये बादाम और ये पिस्ता। और गैस को ऑफ कर देंगे, इलायची का पाउडर भी मिक्स कर देंगे। अब इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पे ले आएंगे। रबड़ी जो हमने तैयार किया था वो देखिए अब बिल्कुल ठंडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इतनी गाढ़ी अपने को रबड़ी चाहिए तो इसकी कुल्फी बहुत ही अच्छी जम के तैयार होगी और बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगी। अब इस रबड़ी को, ये जो हमारे पास कुल्फी का मोल्ड है, इसमें भर लेंगे। इस तरह से नीचे से चलाते हुए हमको कि सारे ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएं उसके साथ में, रबड़ी को मोल्ड में भर देना है। मैंने कुल्फी मोल्ड में रबड़ी को डाल दिया है। अब इस तरह से इसको ढक्कन लगा के पैक कर देंगे। अगर कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के ग्लासेस जो रहते हैं चाय पीने वाले, या जो कप है, आप उसमें भी कुल्फी को बहुत ही आसानी से जमा सकते हैं। बाकी जो बची रबड़ी है वो मैं इन दोनों में फिल कर दे रही हूँ। अब इसको इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से पैक कर देंगे, जिससे कि हमारे आइस के क्रिस्टल कुल्फी के ऊपर ना जमे। अब इनको हम फ्रीजर में 7 से 8 घंटे के लिए रख देंगे, या तो इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे, फिर ये हमारी कुल्फी जो है वो बनके रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमारी रबड़ी कुल्फी कितने अच्छे से सेट हो गई है। इसको इस तरह से हाथों के बीच में थोड़ा सा रोल कर लेंगे, जिससे कि हाथों की गर्मी से ये किनारों को छोड़ देंगे और इनको डीमोल्ड करने में आसानी होगी। अब इसमें एक आइसक्रीम स्टिक जो है उसको फिक्स कर देंगे, बहुत आसानी से ये फिक्स हो जाएगा। और इस तरह से रोल करते हुए ये देखिए हमारी टेस्टी सी मलाई कुल्फी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी कुल्फियों को हम डीमोल्ड कर लेंगे,
ये देखिए, जो मैंने कुल्फी को मोल्ड में जमाया था, इसे बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से सारी कुल्फियों को डीमोल्ड कर लेंगे। अब इनको थोड़े से बादाम और पिस्ता से गार्निश कर देंगे। हमारी टेस्टी सी रबड़ी कुल्फी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।